प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज नववी कक्षा नववी वर्गाचे पाचवा पाठ अजिंठ्याची सहलचे वाचन करणार आहोत आणि त्याला समजून घेणार आहोत. जर आमचे व्हिडिओ आपल्याला पसंत पडतील तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अजिंठ्याची सहल, पंडित महादेव शास्त्री जोशी. हे पंडित महादेव शास्त्री जोशी यांनी लिहिलेलं आहे 1906 ते 1992. कथालेखक सांस्कृतिक कोशाचे संपादक, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष, काव्यशास्त्र याचे अध्ययन, खडकातील पाजर, विराणी, कथाकांता, घररिघी, कथासुगंध, कल्पवृक्ष हे कथासंग्रह प्रसिद्ध. प्रस्तुत पाठात अजिंठ्याची सहलीचे वर्णन केले आहे. भारतातील आश्चर्यापैकी एक आश्चर्य म्हणजे ही अजिंठ्याची लेणी होय. ये कहानीकार है और इन्होंने बहुत सारे इसके संस्कृति के इदारों की इदारत भी की है. वेदों के जो व्याकरण है यानी कवायद है उसे भी लिखा है. ये ज्योतिष में यानी इल्म नुजूम में भी ख़याम अपना दखल रखते थे. काव्य शास्त्र याचे अध्ययन यानी वो नज़में भी लिखते थे. उनकी कुछ मजमू हैं जैसे कि खड़कातिल पाजर, वीरानी, कथाकांता, घररिघी, कथा सुगंध, कल्पवृक्ष. प्रस्तुत पाठ आती यानी इस सबक में उन्होंने ये जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है यानी एक अजूबा है अजिंठा, उसके बारे में यहाँ पर उसकी गारों, गुफाओं, लेनी यानी गार या गुफाएं उसका वर्णन किया है. मुलानो चला उतरा आले अजिंठा. बच्चों चलो, अजिंठा आ गया है. आता आनखी चढ़ून गेले. अभी हमें चढ़कर जाना है कि तुम्हाला अजिंठ्याची लेनी पाहायला मिळतील. अगर थोड़ा सा चढ़ेंगे तो आपको अजिंठा के गार देखने के लिए मिलेंगे. पहली ही गर्दी, परदेशातील काही मंडळी ही लेनी पाहायला आली आहेत. यानी देखो क्या पाहिलीत यानी देखे क्या कितनी गर्दी है, कितनी भीड़ है. और परदेश यानी गैर मुल्क से भी बहुत सारे लोग इस गारों को देखने आए हैं. लाम लाम चे लोग इथे येता, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं. चला आता अपन लेनिया कड़े जाऊँ. चलो अब हम गुफाओं के करीब, गारों के करीब जाएंगे. लेनी यानी गार या गुफा. आता समोचे डोंगर दरी कड़े पाहा. सामने जो पहाड़ है और उसमें जो वादी है उसमें देखिए, डोंगर दरी यानी पहाड़ और पहाड़ी वादी. कशी अर्धचंद्रा सरखी दिसते नाही, यानी वो कैसी दिख रही है, जैसे कि अर्धचंद्र यानी निस्फ चांद होता है. या डोंगर दरीचा पोटा 30 गुफा आहेत, यानी इस पहाड़ी की वादी में 30 अलग अलग गुफाएं हैं. हीच अजिंठ्याची लेनी, और यही अजिंठा की गार है. ती पहा काही लेनी दिसायला लागली थांबा. देखो कुछ गारें दिखने लगी है, रुको. थांबा रुका, रुको. आधी थोड़ी सी माहिती घ्या, पहले थोड़ी सी मालूमात ले लो, म्हणजे आपण काय पाहतो ते नेमके तुम्हाला कळेल. कि हम क्या देखते हैं ये तुम्हें समझेगा. आज शिरलात की काहे गुफा तुम्हाला प्रशस्त लामरुद दालन दिसते. अंदर दाखिल होते ही आपको एक बहुत बड़ा हॉल नज़र आता है, दालन नज़र आता है. 4-5 मीटर त्याची ऊंची, यानी उसकी ऊंचाई कितनी है, 4 से 5 मीटर, यानी कम से कम 12 से 15 फीट इतना ऊंचा है. वर सपाट छत, और ऊपर छत एकदम सपाट है, साफ है. दोनों बाजुं ने भव्य स्तंभ कोरलेले आणि नक्षीदार प्रवेश द्वारावर अर्धवर्तुळाकार कृति गवाक्षे. दोनों बाजू भव्य स्तंभ यानी बड़े बड़े सुतून हैं जिस पर नक्शीदार काम किया गया है. और प्रवेश द्वार यानी के जो दाखिले का दरवाज़ा है उसमें आधे अर्धवर्तुळाकृति आधा दायरानुमा एक आकृति बनी हुई है. गवाक्ष म्हणजे हवा वो उजड आत येण्यासाठी खिड़किया. अब गवाक्ष क्या है, गवाक्ष वो है जिसमें हवा और रोशनी अंदर आना चाहिए, उसके लिए खिड़कियाँ बनी हुई है. चला माझ्या मागून ओढ़ी ने या, चलो मेरे पीछे खतार में आओ. ओढ़ी यानी खतार.
आज छिड़ताज गारे गार वाट लेना, अंदर दाखिल होते ही ठंड लग रहा है ना, गार यानी कि ठंडा। उन्हा तानातून प्रवास केल्याचा शिंटा शिनावटा निघून गेला की नाही, यानी धूप में सफर करने की जो तकलीफ है वो चली गई या नहीं गई। लेनियातली हवा अशीच नेहमी गारे गार असते, यानी कि उस उन गुफाओं की गारों के बीच की हवा ऐसे ही ठंडी होती है। आता समोर लक्ष दिया, अभी सामने देखिए केवड़ा प्रशस्त चौथरा आहे, कितना फैला हुआ चबूतरा है, आणि त्यावर कोण बसले आहे सांगावर, और उस पर कौन बैठा हुआ है बोलिए तो, भगवान गौतम बुद्ध। वो गौतम बुद्ध है बैठे हुए, बुद्ध ओळखण्याची खून म्हणजे पद्मासन घालून बसलेले। अगर बुद्ध को देखना है तो उसकी निशानी क्या है, खून यानी निशानी, यानी वो पद्मासन में बैठते हैं, डोळे अर्धवट मिटलेल्या कमळा कमळा सारखे आणि नजर नाकाच्या शेंड्यावर खिळलेली, और उसके उनके जो आँखें डोड़े यानी आँखें अर्धवट यानी आधी मिटलेल्या यानी बंद होती है, और कमळा सारखे कमल के फूल की तरह आणि नजर नाकाच्या शेंड्यावर, और उनकी नजरें नाक के किनारे पर होती है, मुखावर करुणेचा भाव और उनके मुंह पर रहम दिली का जज्बा होता है, भाव यानी जज्बा या फिर दिखावा। कानाचा पाड़ा लोम ले लिया, और कान की जो लोए है वो पलटी हुई जवड़ जवड़ खांद्याला भिड़ ले लिया, और ऐसा लगता था कि उनकी जो कान की लोल किया है वो खांदे को लग रही है। मस्तकावर कोरड्या केसांचा जटा, और उनके सिर पर मस्तक पर उनके जो बाल थे उसकी जो जटा है उसे लपेटा हुआ था, कोरड्या यानी लपेटा हुआ। एवढे लक्षात ठेवलेत, इतना जहन में रखा रखिए कि तुम्हाला कोठे ही गौतम बुद्ध ओळखता येतील, तो आपको कहीं पर भी गौतम बुद्ध को पहचानते आएगा। इतल्या सगड़ना सगड़ा लेने आना नावे नाहीत, यहाँ पर तमाम जो गार है उन्हें नाम नहीं है, पन एकोणीसाव्या लेण्याचे नाव आहे, लेकिन 19वीं जो गार है लेनी है उसका नाम है त्याला म्हणतात गंधकुटी, उसे गंधकुटी यानी कि खुशबू का कमरा कहते हैं। हे लेने तुम्ही सावकाशी ने पहा, ये गार आप थोड़ा खामोशी से देखिए, एहतियात सावकाश यानी एहतियात से, बराच वेळ लागेल बहुत वक्त लगेगा, कारण ते आत बाहेर व सगळीकडेच कोरीव कामाने नटले आहेत, क्योंकि वो अंदर बाहेर सब तरफ बहुत ही बारीक नक्काशी से काम से बने हुए हैं। त्याच्या समोर द्वार मंडप आहे, उनके सामने क्या है द्वार मंडप, यानी कि सामने दरवाजे के करीब मंडप जैसा हाल है। खाम सगड़े वाटोड़े, और सारे के सारे खम्भे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े टूट चुके हैं। ते पहा दूसरे बुद्ध, वो देखो दूसरे बुद्ध की और एक मूर्ति है, खाली नवे वर दोन खांबाचा कमानीत, नीचे नहीं ऊपर दो खंभों के कमान में है, इथे ते उभे आहेत आणि त्यांनी एक पायघोड़ अंग रखा घातला आहे, यहाँ पर वो खड़े है और उन्होंने एक अंग रखा पैरों में डाल रखा है। त्याचा चुन्या कशा अगदी स्पष्ट दिसतात, और उनकी जो लिपटे हैं वो कैसी साफ नज़र आती है। ये आमतौर पर चुन्नत या चुनी को कहते हैं, जिसे हम आप लिपट भी कह सकते हैं, यानी लपेटे जाना। मुद्रा सुद्धा किती शांत, यानी उनकी जो मुद्रा है खड़े रहने की वो भी कितनी खामोश है, कितनी गंभीर और कितनी हसास है या गंभीर है। या गंधकुटी लेण्यात आणि 16 व 17 या क्रमांकाच्या लेण्यात चित्रांची भरभार आहे, यानी कि इस गंधकुटी में इस खुशबू की कमरे में और 16 और 17 नंबर की जो गार है उसमें तस्वीरें हैं, जिगड़े पाहा तिकड़े चित्र चित्र, और जहाँ देखेंगे वहाँ पर तस्वीरें ही तस्वीरें। शादी एक रंगी नवे, एक रंग की नहीं है तर बहुरंगी, यानी बहुत सारे इसमें रंग मिले हैं। रंग तरी कैसे, और वो रंग कैसे हैं, तो सौम्य यानी टिकाऊ, बहुत ही साधे और टिकाऊ। यातली बहुतेक चित्र बुद्ध आणि त्यांचा क धर्म या विषयाचीच आहेत, कारण बौद्ध धर्माचे लोकांनीच ही लेणी खोदली आहेत, और इसमें ज़्यादातर जो
है वो सब बुद्ध धर्म की ही है, क्योंकि ये बुद्ध धर्म के मानने वालों ने ही खोदी है। गौतम बुद्धाच्या काही मजेदार कथा आहेत, गौतम बुद्ध की कुछ बहुत ही मजेदार कहानियाँ हैं। त्यांना जातक कथा असे म्हणतात, उन्हें जातक कथा कहते हैं। बुद्धांनी पूर्व कोणत्या जातीत आणि प्राण्याच्या रूपात जन्म घेतले, बुद्ध ने इससे पहले किस जाति में और किस प्राणी में यानी किस जानवर के रूप में जन्म लिया, त्यांच्या या त्या कथा आहेत, उनकी ये तमाम की तमाम कहानियाँ है। कथा यानी कहानी, त्यापैकी कित्येक कथा या लेण्या चित्रित केल्या आहेत, उसमें से कितनी सारी कहानियाँ इस गार में तस्वीर कशी की गई है, तस्वीरों में बताई गई है। 16व्या लेण्यातली सगळी चित्रे बुद्धाच्या शेवटच्या जन्मातली आहेत, और 16वी जो गार है उसमें की तमाम तस्वीरें बुद्ध के आखिरी जन्म की, आखिरी वक्त की है। मुलानो तुम्ही थी ओढ़ी ने पाहा चला, बच्चों वो सब खतार में देखते चलो, हे मायावतीला म्हणजे बुद्धाच्या आईला पडलेले स्वप्न। ये मायावती को यानी बुद्ध की माँ को जो ख्वाब आया था वो है। बुद्ध जन्माला आल्याचा तो पुढ़चा देखावा, बुद्ध जब जन्म लिए थे तो उसके आगे की वो बात है। ही पुढ़ल्या चित्रातली गम्मत बघितली, और ये आगे की तस्वीर में की जो गम्मत है वो देखे क्या आपने? 5 वर्षाचे गौतम बुद्ध धूळपाटीवर बोटाने अक्षर गिरवित आहेत, और 5 साल के गौतम बुद्ध जो है वो धूल के तख्ती पर अपने उंगली से, बोट यानी उंगली से लफ्ज़ अक्षर यानी लफ्ज़ लफ्ज़ लिख रहे हैं। गिरवित आहेत यानी लिख रहे हैं। पूर्वी पाट्या न होत्या, पहले तख्तियाँ नहीं थी, अन दगड़ी पेंसिल ही न होत्या और पत्थर की पेंसिल भी नहीं थी, अशा धूल पाटी वर बोट झेर झेर तो अक्षर गिरवावी लागते, और ऐसा धूल के जगह बनाकर वहाँ पर अक्षर बनाए जाते। अक्षर यानी लफ्ज़ असे शेवट पर्यंत पाहत गेलात, अगर ऐसा ही हम आखिर तक देखते चलेंगे तो सगळे बुद्धाचे चरित्र इथले इथे चित्रांकित झालेले दिसेल। तो बुद्ध के जितने भी चरित्र है, उनका जो तरीक़ेकार है वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिखेगा। ही 30 लेनी किती जुनी, ये 30 जो गार है ये कितनी पुरानी है, किती प्राचीन आहे सांगू, और कितनी प्राचीन कदीम है ये बोलूँ क्या? सुमारे 2000 वर्षाची यानी 2000 साल पुरानी है। आपन ही सगड़ी लेनी 3-4 तासात पाहून मोकड़े हो तो, हम ये तमाम गार 3-4 घंटों में देखकर वहाँ से फारिग हो जाते हैं। मोकड़े यानी फारिग हो जाना, फ्री हो जाना, पण ती सगळी कोरायला किती वर्ष लागली, लेकिन ये तमाम गारों को बनाने के लिए कितने साल लगे ठाउक है, मालूम है? सुमारे 8-6, कम से कम 800 साल लगे। एक कुन आश्चर्य वाट लेना, ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा ताजुब हुआ ना, आश्चर्य यानी ताजुब। अशी अनेक अद्भुत आश्चर्य आपल्या भारतात आहेत, तुम्ही मोठेपणी ती पहा आणि धन्य व्हा। ऐसी बहुत सारी ताजुब खैज मिसालें भारत में है, आप बड़े होता होकर ने देखो और उसका मज़ा लो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।